अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने ASF यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है पेपर सॉल्व करना है, जो कि 27 मार्च 2021 को हुआ था। लेकिन जो है कि एक मैं बात आपको बताता चलूँगा, कल मैंने जो है कि कारपोल का पेपर की जो है कि वीडियो बना के अपलोड की थी, लेकिन जो है कि बच्चों ने उसका मुझे बहुत ही गलत रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि जो है कि उसमें मेरे चंद MCQ जो है कि गलत हो गए थे। गलती से जो है कि मैंने वो MCQ टिक कर दिए थे, लेकिन उसका जो है कि बच्चों ने बहुत ही जो है कि बैड कमेंट्स किए, जिसकी वजह से मैं जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो बड़े मेरी मेहरबानी आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैं भी आपकी तरह जो है कि एक सिंपल इंसान ही हूँ, मैंने भी कोई PhD नहीं की हुई, मिस्टेक हो जाती है इंसान से जो है कि इस तरह के बैड कमेंट करने से गरेज करें। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले जो है कि इंग्लिश का पार्ट है, यानी जो है कि इंग्लिश के MCQs हैं। तो सबसे पहले जो है कि हमने स्पेलिंग देखने हैं, मतलब करेक्ट स्पेलिंग जो है सेलेक्ट करने हैं। तो जिन बच्चों ने जो है कि पेपर दिया है वो देख लें कि जो है कि उनके कौन से MCQs सही हैं और कौन से जो है कि उनके गलत हैं। तो पहला जो है हमारा MCQs है ह्यूमिलिएट, यानी जो है HUMILIATE ह्यूमिलिएट, इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है। नंबर दो पे जो है कि इसका सी ऑप्शन ठीक है, डिफाम DEFAM फाम। नंबर तीन पे जो है कि कुलेप्स जो है कि इसका बी ऑप्शन ठीक है, कुलेप्स COLLAPSE कुलेप्स। नंबर चार पे जो है कि डिक्लाइन, ए ऑप्शन जो है कि इसका ठीक है। उसके बाद जो है कंप्लीट द फॉलोइंग विद सही टेबल आंसर। नंबर पाँच में जो हमारा MCQ है, द डॉक्टर एडवाइस हिम -ET RICE, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, नॉट टू। नंबर छः में जो है कि हमारा MCQs है, द फायर सेपरेट थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी -ESCAPE, इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, सक्सीडेड टू। उसके बाद नंबर सात में जो है कि हमारा MCQs है, वी शुड नॉट लॉग -POOR, तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, ON। उसके बाद जो है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर आठ पे जो हमारा MCQs है, ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि बी ठीक है, ही फॉर बैड मी टू स्मोक। नंबर नौ पे जो है कि हमारा MCQs है, वी सेड टू हिम माइंड योर ओवन बिजनेस, तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, वी अर्ज हिम टू माइंड हिज ओवन बिजनेस। नंबर दस पे जो है कि शी गोज ऑफिस, जो है कि हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो है कि हमने चेंज करना है, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, द एक्ट ऑफ गोइंग टू ऑफिस इज डन बाय हर। नंबर 11 पे जो हमारा MCQs है, नो वन रिस्पोंडेड टू माय सेल्स एड, तो इसका जो है कि आपने खुद से देख लेना है, इसका जो है कि MCQs मुझे नहीं मिला, इसलिए जो है कि मैंने इसे टिक नहीं किया। नंबर 12 पे जो हमारा MCQs है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग साइनोनिम्स, यानी जो है कि हमने यहाँ पे साइनोनिम बताना है कि कौन सा जो है किसका साइनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है कि इसका डी ऑप्शन ठीक है, सिलेंडर SLENDER सिलेंडर। नंबर 13 पर जो हमारे MCQs है, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, वर्थ WORTH वर्थ। उसके बाद जो है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग, मतलब जो है कि इनकी जो है इसकी जो है ट्रांसलेशन जो ठीक है वो हमने सेलेक्ट करनी है, किसान चार रोज से हल चला रहा होगा, तो इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है, द फार्मर विल हैव बीन प्लॉगिंग फोर डेज। नंबर 15 पर जो हमारा MCQs है, वो गोल ना कर सका, तो हमने जो है इसकी ट्रांसलेशन करनी है, इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, ही कुड नॉट स्कोर द गोल। उसके बाद जो है कि पार्ट टू पे जो है कि जनरल नॉलेज के MCQs हैं, ये 20 नंबर के जो है जनरल नॉलेज के MCQs हैं। नंबर 16 पर जो हमारा MCQs है, द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज ओनली म्यूजिक नो वर्ड, तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, बहरीन। नंबर 17 पर जो हमारा MCQs है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, यानी जो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, दुबई, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, नेक्स्ट एग्जाम में भी जो है कि ये आ सकता है। उसके बाद जो है कि 18 नंबर पर जो हमारा MCQs है, अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम इन प्रेजेंट इन -, तो एंटार्कटिका, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, एंटार्कटिका। उसके बाद जो है नंबर 19 पे जो हमारा MCQs है, हु वाज सईद जमालुद्दीन अफगानी, इसकी जो है कि मैंने हिस्ट्री देखी, लेकिन जो है कि यहाँ पे मुझे इसका कोई MCQs नहीं मिला, इसलिए जो है मैंने इसे यहाँ पे टिक नहीं किया। नंबर 20 पे जो हमारा MCQs है, नेदरलैंड्स लिटरली मींस,
तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, लोअर कंट्रीज। उसके बाद जो हमारे एमसीक्यूज है 22वां, विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, क्रस्ट। उसके बाद जो है 23वें नंबर पे जो हमारे एमसीक्यूज है, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज लोकेटेड इन, यानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है कि कहाँ पे रखी हुई है, कहाँ पे वाकया है, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, न्यूयॉर्क। नंबर 24 पे जो हमारे एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल लॉन्च प्रोजेक्ट स्काई बेंडर टू बूस्ट 5G इंटरनेट स्पीड, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो है कि इसका बी ऑप्शन ठीक है, गूगल। उसके बाद जो हमारे 25वां एमसीक्यूज है, हु इनवाइटेड जेट इंजन, जो है कि इसका एमसीक्यूज मुझे नहीं मिला, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसे टिक नहीं किया, इसे आप जो है खुद से तलाश करके टिक कर सकते हैं। नंबर 26 पे जो हमारे एमसीक्यूज है, ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ, जो है कि इसका एमसीक्यूज नंबर जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, सैंड एंड सिलिकेट्स। उसके बाद जो है 27वें जो है हमारा एमसीक्यूज है, 27वें नंबर पे, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी नाइट्रोजन की जो है कि एटॉमिक नंबर में कितने नंबर होते हैं, तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, 7। उसके बाद जो है 28वें नंबर पे जो है हमारा एमसीक्यूज है, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है, माइक्रोवेव्स। नंबर 29 पे जो है हमारा एमसीक्यूज है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है, 8। नंबर 30 पे जो है कि हमारा एमसीक्यूज है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन वॉल्व्स, तो इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है, ऑक्सीडेशन। नंबर 31 पे जो है हमारा एमसीक्यूज है, अ कार कंज्यूम्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑफ टू ड्राइव 240 किलोमीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रिप ऑफ 600 किलोमीटर्स, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, 50 लीटर। नंबर 32 पे जो है कि हमारे एमसीक्यूज है, एन अलार्म बीप्स 16 टाइम्स पर मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बीप 88 टाइम, यानी 88 टाइम्स, तो इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है, 5.5 मिनट्स। नंबर 33 पे जो हमारे एमसीक्यूज है, द एवरेज ऑफ 5, 10, 15 एंड एक्स इज 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो है कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, तो इसका जो है कि डी ऑप्शन ठीक है, 50। जो है कि 34 पे जो है कि हमारे एमसीक्यूज है, सिंप्लीफाई 0.8 - 0.3 + 0.5 = तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1, यानी जो है कि ये तमाम जो है कि 1 के इक्वल होंगे। नंबर 35 पे जो हमारा एमसीक्यूज है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 16, मतलब जो है कि 40 का 16% कितना होगा, तो इसका जो है कि एमसीक्यूज नंबर डी ठीक है, 40%। ये एमसीक्यूज आपने खुद से देख लेना है, अगर इसमें जो है मिस्टेक हो तो आप इसे जो है दुरुस्त कर लें। उसके बाद जो है कि हमारे पार्ट यानी पार्क स्टडीज 5 नंबर जो है कि पार्क स्टडीज के एमसीक्यूज हैं, हु एड्रेस्ड इन अलाहाबाद इन 1930, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये जो है कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अलाहाबाद का खुतबा किसने दिया, तो इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है, अलामा इकबाल ने। नंबर 37 पे जो है कि विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो इसका जो है कि खैबर पास, इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 38 पे जो है कि विच वन डिड नॉट सर्व चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, हबीबुल्ला खान। नंबर 39 पे जो हमारा एमसीक्यूज है, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, किरथर। 40 पे जो हमारा एमसीक्यूज है, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 एट, तो ये भी जो है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे 1998 में चागी के पहाड़ों में, यानी इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, चागी हिल्स। नंबर 41 जो हमारे एमसीक्यूज है, मुसद्दस डैश इशार के एक कते पर मुश्तमिल शायर का नाम है, तो इसका जो है कि बी 6। लफ्ज बेहुदा के क्या मायनी है, तो इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, घटिया। लफ्ज असरी का मुतजाद, तो इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है, रिहाई। उसके बाद जो है हमारे एमसीक्यूज है, वो जुमले में रब्त के इस्तेमाल होने वाले हरूफ को क्या कहते हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, हरूफ रुआबित। इसका जो है कि आपको नज़र आ रहा है कि सवाल में ही इसका जवाब दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारे एमसीक्यूज, इनमें से कौन सी ज़र्बुल मिसल ठीक है, तो इसका जो है कि डी ऑप्शन ठीक है, चील के घोंसले में मांस कहाँ।
उसके बाद जो हमारे एमसीक्यूज है, उर्दू शायरी में डैश से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज। ये जो है कि मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है उर्दू ग्रामर के एमसीक्यूज पे, और जो है कि कल भी ये एमसीक्यूज आया था, रदीफ़ और काफिया। तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, रदीफ़ शराब का मतलब है। तो इसका जो है कि तमाम जो है कि यानी धोखा, फ्रेब, दगा, ये तीनों एक ही हैं, तो इसका जो है कि डी ऑप्शन ठीक है, तमाम दुरुस्त हैं। उसके बाद जो है कि हमारा एमसीक्यूज है, मिर्ज़ा असद अल्लाह खान का तखल्लुस क्या था। तो इसका जो है कि मुझे नहीं मिला, इसे भी जो है कि आपने खुद से ही सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज है, अलामा इकबाल की बजाय शहरत क्या खूबी बनी, यानी जो है कि अलामा इकबाल किस वजह से ज़्यादा मशहूर थे। तो आप सबको पता है कि अलामा इकबाल की जो है कि शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, यानी जो है कि हमारा नेशनल हीरो जो है कि नेशनल पोइट हमारा जो है कि अलामा इकबाल है। उसके बाद जो लास्ट में हमारे एमसीक्यू से बैतुल गज़ल, गज़ल के किस शेर को कहा जाता है। तो इसके जो है सी ऑप्शन ठीक है, बेहतरीन जो शेर की जिस जो भी जो है कि बेहतरीन जो है कि शायर वो शेर होगा उसे जो है कि बैतुल गज़ल कहेंगे। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह जो है कि नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।